हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गाइस जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, पर्टिकुलर कॉलेज का जानना है कि उस कॉलेज की जो फ़ी है, फ़ी बॉन्ड है वो कितना है, तो कॉलेज जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। पर्टिकुलर कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जब आप चूज करेंगे तो पूरा वहाँ पर वो प्रोसीजर और जो फ़ी वगैरह है उनकी पूरा दिखाएगा, जो बॉन्ड है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो गाइज पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी एंड नीट पीजी से रिलेटेड की पल पल की अपडेट मिलती रहे। काउंसलिंग प्रोसेस की, कट ऑफ की, ऑफिशियल नोटिस की, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेगी। तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब देखिए, हम देखते हैं जो काउंसलिंग और फी बॉन्ड का है वो किस तरीके से, कौन सा लिंक एक्टिवेट हुआ है, कहाँ से आप क्लिक करना है कि आप उस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो देखिए, तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, जहां आपको जो एमसीसी जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, ठीक है, एमसीसी, तो वो वेबसाइट आपको ओपन करनी है। उसके बाद आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो यहां पर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपको चूज करना है, जैसे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, किस टाइप का इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, सभी चाहिए, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए या डीएनबी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मान लिया जाए कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, ठीक है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना है। जैसे मान लिया जाए मुझे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो देखिए, आपकी जो विंडो ओपन होकर आएगी वो इसके बारे में आ जाएगी, टोटल कितनी एंट्रीज है, जो इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है आपका यहाँ पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर है जो, ठीक है। यहाँ इसकी प्रोफाइल व्यू, प्रोफाइल पर जाएंगे आपको प्रोफाइल दिख जाएगी, बॉन्ड स्टेटस के ऊपर जाएंगे तो आपको व्यू बॉन्ड करेंगे तो इसका बॉन्ड स्टेटस होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस तरीके से एक पीडीएफ फाइल होगी जो आपको ओपन करनी है, ठीक है, व्यू इंस्टीट्यूट बॉन्ड। तो इसी तरीके से गाइस जितने भी इसके इंस्टीट्यूट है इन सब के बारे में आप ओपनली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब मान लिया जाए आपने एक कॉलेज के बारे में देख लिया, अब आपको दूसरा कॉलेज देखना है तो आप वापस से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। फिर से आपको, अब मान लिया जाए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, डीम्ड में जो जो आएंगे इंस्टीट्यूट वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे कि ये डीम्ड के अंदर आते हैं। अब जैसे मान लिया जाए आपको महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे तो इसकी जो प्रोफाइल होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपने व्यू इंस्टीट्यूट प्रोफाइल लिस्ट है, तो इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है जो आपने सेलेक्ट किया था महात्मा गांधी, इसके प्रोफाइल के बारे में जानना है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बॉन्ड के बारे में जानना है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जिस भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहले ये लिंक एक्टिवेट नहीं था, आज से ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। फिर भी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन नीट यूजी एंड नीट पीजी से रिलेटेड, काउंसलिंग कट ऑफ से रिलेटेड की जो इन्फॉर्मेशन वो टाइम टू टाइम, टाइम पर आपको अपडेट मिल जाए। टाइम के बाद अगर आपको मिलता है तो आपकी किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है, टाइम पर ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो ही अच्छी होती है। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।